दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंडई ने अपनी सबसे लोकप्रिय एसयूवी क्रेटा का 2020 का एडिशन भारत में आज लॉन्च कर दिया है। इस नई जनरेशन क्रेटा को ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। नई क्रेटा की डिजाइन में काफी कुछ बदलाव किए गए हैं और साथ ही इसमें कई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स को भी जोड़ा गया है। तो चलिए जानते हैं इस नई क्रेटा के फीचर्स, डिजाइन और कीमत के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूंडई क्रेटा 2020 के एक्सटीरियर की। तो इस नई क्रेटा की डिजाइन में बदलाव करते हुए इसमें 3D कैस्केडिंग ग्रिल, नए स्लिप्ड LED डे टाइम रनिंग लैंप के साथ बड़ी LED हैंड लैंप्स दिए गए हैं। इसके कैबिन को ड्यूअल टोन से सजाया गया है जिसमें ब्लैक और बेज कलर दिया गया है। इसके रियर में बूमरैंग डिजाइन एलिमेंट्स, LED टेल लाइट्स और एक बड़ा रियर विंडस्क्रीन दिया गया है जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इसमें भी बहुत कुछ बदलाव किया गया है। नए क्रेटा को एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, ब्लू लिंक स्मार्ट वॉच ऐप, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रिक ब्रेक, एम्बिएंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 10.25 इंच का हॉरिजॉन्टल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेस किया गया है। साथ ही नई क्रेटा को 4 से 5 नहीं बल्कि पूरे 10 कलर विकल्प के साथ लॉन्च किया गया है। हालांकि ड्यूअल टोन कलर विकल्प केवल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलेगा। बात करते हैं इसके वेरिएंट्स, इंजन ऑप्शन और ड्राइविंग मोड की। ह्यूंडई ने भारत में अपनी इस सबसे लोकप्रिय एसयूवी की नई जनरेशन को कुल 5 वेरिएंट और 3 इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। सबसे इसके वेरिएंट के बारे में आपको बता देते हैं। ह्यूंडई ने क्रेटा के 5 वेरिएंट EX, S, SX और SX प्लस को बाजार में उतारा है। इनमें इंजन विकल्प के तौर पर BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर VGT डीजल इंजन और 1.4 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन दिया गया है। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर को स्टैंडर्ड रखा गया है। ऑटोमेटिक विकल्प के तौर पर इसमें IVT ऑटोमेटिक और 1.4 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन में 7 स्पीड DCT का विकल्प दिया गया है। इसका स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन 113 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि इसका 1.4 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन 138 BHP की पावर और 242 Nm का टॉर्क पैदा करता है। डीजल इंजन की बात करें तो यह 113 BHP की पावर के साथ 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ड्राइविंग मोड की बात करें तो नई क्रेटा में इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके साथ इसमें मल्टीपल ट्रैक्शन कंट्रोल, स्नो, सैंड और मड भी दिए गए हैं। अब बात आती है सेफ्टी की, तो इस लिहाज से नई क्रेटा में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंसर के साथ रियर पार्किंग कैमरा, स्पीड अलार्म, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे कई शानदार सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। भारत में नई क्रेटा को लॉन्च किए जाने से पहले इसकी तकरीबन 14,000 बुकिंग की जा चुकी है, जिसमें 50% बुकिंग सिर्फ डीजल इंजन वेरिएंट की है। ह्यूंडई ने अपनी इस सबसे लोकप्रिय एसयूवी को साल 2015 में उतारा था। इसके बाद से यह उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन गई। साल 2015 से इसकी अब तक 4.67 लाख यूनिट सेल की जा चुकी है। नई क्रेटा भारतीय बाजार में आ चुकी है और इसमें कई शानदार फीचर्स के साथ ही इसकी डिजाइन को भी काफी आकर्षक बनाया गया है, लेकिन इसकी कीमत क्या है? कीमतों की यदि बात करें तो EX वेरिएंट की कीमत है 9.99 लाख, EX वेरिएंट डीजल की कीमत है 11.49 लाख, S वेरिएंट की कीमत है 11.72 लाख,
एस वेरिएंट डीजल की कीमत है 12.77 लाख, एसएक्स वेरिएंट की कीमत है 13.46 लाख, एसएक्स वेरिएंट डीजल की कीमत है 14.51 लाख, एसएक्स टर्बो वेरिएंट की कीमत है 16.16 लाख और ई डीजल वेरिएंट की कीमत है 9.99 लाख। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।